नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं सुकम पावर सिस्टम्स लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी कुंवर सचदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू कुंवर साहब। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं सुकम पावर सिस्टम्स को लेके, लेकिन पहले मैं जी एक अपनी पर्सनल जिज्ञासा पूरी कर लेती हूँ, और वो ये है कि मेरी हाल ही में हमारे एक मित्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश कन्नौज की तरफ में रहते हैं, और उनसे चर्चा हो रही थी क्योंकि वो कुछ ना कुछ लेके विलेजेस में काम करते रहते हैं। तो बोले कि सुकम ने हमारे यहाँ पर मिनी ग्रिड लगाकर और गांव में बिजली आई है। तो सर माफ कीजिएगा, आप लोग तो इन्वर्टर की दुनिया के राजा हैं, ये क्या वो बिजली वाले वो आप ही हैं क्या सोलर पावर वाले भी? हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो सर ये सुकम सोलर पावर में कब चला गया? ये कन्नौज में हमने एक मिनी ग्रिड का प्रोजेक्ट किया है जी, एंड जिससे हमने तीन गांव हमने वहाँ के सोलर से चला रहे हैं। और सुकम सोलर में मतलब आप समझिए, इन्वर्टर और सोलर का तो चोली दामन का साथ है, बिल्कुल तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी नहीं है सर? नहीं नहीं बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी है। आप देखिए, पहले हम बैटरी से आपको आपकी पावर दे रहे थे, अब आपको सोलर से पावर दे रहे हैं। सोलर और बैटरी दोनों डीसी सोर्स है हमारे लिए, तो अच्छा। हमारे लिए तो एक ही बात है, आप सोलर करवा लीजिए, हमसे इन्वर्टर करवा लीजिए। तो सर ये आपकी जो बेसिक इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी थी, ये कहाँ से इम्पोर्ट करी थी और उसको फिर आपने कैसे और उसको मॉडिफाई किया? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इन्वर्टर था हमारे देश में बहुत सख्त ज़रूरत थी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, और ये तो आप सही कह रहे हैं। और ये हाल था कि हम लोग इन्वर्टर कहीं से इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेवलप कंट्रियों में तो इन्वर्टर बनते नहीं थे। हाँ सही बात है, उनको क्या ज़रूरत है। तो हमको इन्वर्टर बनाने पड़े, डिज़ाइन करने पड़े अपने हिसाब से, तो इसमें हमारी बहुत सारा टाइम लगा, बहुत सारा R&D करनी पड़ी। इसकी फर्स्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसका पूरा रिसर्च इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी का आपका अपना है? जी हाँ जी। एंड आई थिंक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट भी है आपका, कहाँ कहाँ जाते हैं जी आपके इन्वर्टर्स? तो आप अफ्रीका के किसी भी पार्ट में चले जाएं, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, तो आपको हर जगह हमारा इन्वर्टर मिलेगा। मिडिल ईस्ट में मिलेगा आपको, जितना भी साउथ ईस्ट एशिया सब जगह मिलेगा। अभी हम लोग साउथ अमेरिका में भी, ब्राज़ील में, मेक्सिको में वी आर सेलिंग आर प्रोडक्ट्स। सर देखिए, ये जो बात आपने कही है तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात अब मुझे लगी, जो मुझे पहले ध्यान नहीं आया था कि भाई अब अमेरिका और इंग्लैंड तो इन्वर्टर बनाएगा नहीं, उन्होंने क्या करना है, तो ये हमने बनाया। लेकिन सर देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, चाइना तो एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो सब जगह घुस जाता है कहीं ना कहीं, तो चाइनीज़ इन्वर्टर से आपको कोई चैलेंज है कुछ, आपको लगता है कि भाई इनको कैसे करेंगे? आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, आपको इंडिया में कोई चाइनीज इन्वर्टर आज तक दिखा है क्या? नहीं जी, दिखा तो नहीं। तो बस फिर क्या दिक्कत है? तो जब वो इंडिया में नहीं आ पाया चाइनीज इन्वर्टर, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं अपना वो दम रखते हैं। व्हाट इज द एज? एज इज टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी इज योर ओन टेक्नोलॉजी। वी हैव बीन डेवलपिंग फॉर ईयर्स, वी हैव बीन डेवलपिंग। हम इन्वर्टर की इंडस्ट्री में आज से तो नहीं है, बिल्कुल इन्वर्टर इंडस्ट्री में हमें आज 16-17 साल हो गए, और वी हैव बीन कंटिन्यूसली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूविंग द टेक्नोलॉजी डे बाई डे। अभी आपने ये कहा था कि आपके लिए चाहे हम लोग बात करें इन्वर्टर की और चाहे हम लोग बात करें सोलर पावर की, दोनों बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, एक दूसरे को मतलब साथ चलती हुई हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एक सोर्स हैं डीसी का, और उसको हम लोग आप आगे जाके मतलब कन्वर्ट करते हैं होम के अंदर यूजेबल करंट। अगर हम देखें, एसी की बात नहीं करें कि भाई जो हम घर में जिससे हमारी लाइट जल सकता है, हमारे पंखे चल सकते हैं और बाकी काम हो सकता है, लेकिन सर कुछ तो चेंज करना पड़ा होगा, ये तो नहीं हो सकता कि जी बिल्कुल वैसे ही था। नहीं नहीं बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? तो ऐसे हमारे को अफ्रीका में क्या जरूरत है सर? सोलर पावर एनर्जी की बात तो सब लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। तो क्या है कि अफ्रीका के अंदर लोगों को ऑलरेडी सोलर हमारे से पहले चल गया था, इंडिया में सोलर वाज ऑलवेज ऑन द बैक बर्नर टिल आर न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज कम। सो अफ्रीका में सोलर लोगों ने पहले अडॉप्ट किया, तो अफ्रीका में लोग हमसे इन्वर्टर मांगते थे सोलर के लिए, तो हम अफ्रीका में बहुत सालों से इन्वर्टर बेच रहे थे सोलर के, तो वहाँ पे सिर्फ हम इन्वर्टर भेजते थे और वो लोग सोलर लगाते थे, और वहाँ से हमने काफ़ी लर्निंग करी कि उनकी क्या, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका की रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, पावर जाती रहती है और दोनों सोर्स चाहिए, मेंस भी चाहिए और सोलर भी चाहिए, और दोनों कॉम्बिनेशन में भी चाहिए। सो हम लोग इस पर बहुत सारी रिसर्च बड़े सालों से कर रहे थे, हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे थे और समझ रहे थे प्रोडक्ट्स को, तो जब इंडिया में चालू हुआ तो हमारे लिए काम आसान हो गया, तो हमें बहुत ही आसानी हो गई कि हमें अब सेम प्रोडक्ट जो हमने अफ्रीका के लिए बनाए थे वही हमने इंडिया में देने शुरू किए, और अब क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी, कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो हम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनको कॉस्टली प्रोडक्ट्स को उठा के हम थोड़ा सा
री इनोवेट कर रहे हैं कि उसको इंडिया के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव कैसे करें। सर अभी आपने कहा कि भाई जैसे कि अफ्रीका में तो हम लोग कर ही रहे थे क्योंकि वहाँ पे सोलर का काम हो रहा था। जब भी हम लोग सोलर पावर की बात करते हैं तो माफ़ कीजिएगा, हमारी सोच वो नीले नीले सोलर पावर पैनल जो दिखती है वहीं तक ये रुक जाती है। और फिर हम सोचने लगते हैं अरे भैया जगह बहुत लेंगे, फिर घर में तार नीचे आएंगे। सोलर पावर के बारे में आज भी भारत सचेता नहीं है, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है सोलर करता क्या है, क्या करता है, कैसे काम करता है। तो मैं एक आम आदमी के हिसाब से बताना चाहूँगा कि सोलर के जो पैनल्स होते हैं वो एक डीसी सोर्स है, जैसे बैटरी है वैसे ही सोलर पैनल्स हैं। ठीक है। सो जब आपका धूप पड़ती है उनके ऊपर तो उससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर धूप नहीं भी पड़ती, अगर लाइट पड़ती है तो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कई लोग सोचते हैं धूप पड़ेगी तो ही पावर मिलेगी। हाँ। लेकिन जब तक लाइट मिल रही है, आज तो भैया बादल है, आज तो घर में बिजली नहीं आएगी। हाँ, तो ऐसा बादल बहुत ज्यादा काले बादल आ जाए तो शायद नहीं बनेगी। लेकिन अगर लाइटिंग है, जैसे सुबह से लाइटिंग चालू हो जाती है दिन में, हाँ, तो रोशनी तो हो ही जाती है, तो सूर्य की रोशनी से बिजली बननी शुरू हो जाती है, मतलब डीसी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब उस डीसी को आप डीसी फॉर्म में यूज करना चाहो, क्योंकि आजकल बड़े सारे डीसी प्रोडक्ट्स भी लगने लग गए हैं, डीसी सिस्टम भी लगने लग गए हैं, या आप उसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करना चाहो, ये दोनों चीज़ें कन्वर्ट करके आप अपने घर की बिजली के साथ उसको सिमुलेट कर सकते हैं, तो घर में बिजली डाल सकते हैं। नहीं, साथ एसिमुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये करें कि भैया अभी हम मेन बिजली नहीं यूज़ कर रहे, अपनी सोलर की कर लेते हैं, अब चलो वापस मेन कर लेते हैं, क्योंकि सर वो एक देखो झंझट तो लगता है। तो ऐसा हमारे सिस्टम्स में नहीं होता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हैं, जो स्टोरेज सिस्टम है, तो उसमें क्या रहता है, सोलर चलता रहता है। और जब आप उसको लगता है, सोलर हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं कि उनको लगता है कि भाई सोलर अवेलेबल है, बैटरी भी भरी हुई है, तो वो मेंस को बंद करके ऑटोमेटिकली सोलर से चलना शुरू हो जाता है, जो कस्टमर को नहीं पता लगेगा। ओके। तो सोलर अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली सोलर से चलना शुरू हो जाएगा। और अगर उनको लगेगा कि भाई हाँ भाई सोलर में इतनी पावर नहीं है, तो बिजली से चलना शुरू हो जाएगा। पर वो जो भी सोलर वहां से आ रहा है, डीसी सोर्स आ रहा है, वो सेव होता रहेगा, सेव होता रहेगा, वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, तो आप किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा। अगर आपका सोलर अवेलेबल है और आपका लोड कम है, तो ऑटोमेटिकली बैटरी में नहीं जाएगा, सीधा लोड पे चला जाएगा। तो, मतलब ये तो ये हुआ कि भाई आपकी मेन पावर लाइन को वो सप्लीमेंट कर रहा है, जिससे कि आपका आप एक नेशनल सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देश की बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका बिजली का बिल भी कम आ रहा है, तो एक सप्लीमेंट कर लिया। सर अब ये तो हुई सर घर की बात है ना, लेकिन जैसे जहां तक मुझे पता है, स्यूकैम पावर सिस्टम्स ने जहां तक 40,000 गांवों में अगर घर घर में भी बिजली पहुंचाई है, एक छोटा सा बच्चा आज स्यूकैम की जो सोलर पावर आता है उसमें बैठ के पढ़ाई करता है, तो उसी साथ के साथ साथ चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने बड़े बड़े सर इंस्टीट्यूशंस भी तो सोलर पावर पर चलने लग रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी तो सेम नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, टेक्नोलॉजी फर्क है। फर्क है, क्या फर्क है और कैसे अलग अलग चैलेंजेस हैं, अगर हम लोग छोटे में या बड़े में देखते हैं, या रूरल या अर्बन में देखते हैं, ये हम अब सब आपसे जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लोग सब कई सालों से सुन रहे हैं कि जी सोलर पावर का, लेकिन कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में और समझ के अभाव में हम लोग वो डिसीजन नहीं ले पाते। आपने पहले सेगमेंट में जो अभी सचदेव साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, तो काफ़ी सारे शक तो दूर हो गए होंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि जब अगर बड़े इंस्टीट्यूशंस में और चेन्नई और दिल्ली मेट्रो जैसी चीज़ों में सोलर पावर किस तरीके से काम करता है सर, और क्या मतलब कितना आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और कितना रिसर्च में आपको जाना पड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक सोचने के लिए? सो ऐसा है कि हम अगर आप देखेंगे तो सोलर तीन तरह का है वर्ल्ड वाइड। तो उसमें एक डीसी सिस्टम है, एक एसी सिस्टम है, एक ऑफ ग्रिड है, एक ऑन ग्रिड है। दोनों एसी सिस्टम है, एसी में दो तरह के हैं, ठीक है, ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड वो है जिसमें आपको बैटरी लेके आप उसमें स्टोर करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं, यूज़ भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम ये है कि जब तक आपका सोलर अवेलेबल है उसको लेके आप फीड कर दें ग्रिड के अंदर, इसलिए उसको ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब जैसे मेट्रो चेन्नई, बड़े जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे ऑन ग्रिड के प्रोजेक्ट हैं, उसमें आप स्टोर नहीं करते, बिकॉज जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें आप स्टोरेज पॉसिबल नहीं है, स्टोरेज बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए। सो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं ये ऑल ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसमें आप सोलर एनर्जी लेते हैं और जितनी एनर्जी होती है उसको सोलर को आप मेंस के साथ कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें क्या रहता है, ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट में क्या रहता है कि अगर आपके पीछे से बिजली आ रही है तो बिजली आप यूज़ कर सकते हैं, अगर पीछे से बिजली आनी बंद हो गई तो ये सिस्टम अपने आप शट डाउन कर जाता है।
तो इसमें सिर्फ तब तक ही है जब तक पीछे से बिजली आ रही है, आपने पीछे से बिजली आई और उसमें आपने ये बिजली मिक्स करी और यूज़ कर ली। सर कितना मुश्किल था इस कैलिबर का रिसर्च करना, सच बताइएगा। सो मैं समझता हूँ इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि वो हमें नहीं पता लगा हमने कब क्या किया। सर, हमें तो प्रॉब्लम थी, हमें प्रॉब्लम थी, हमने सॉल्व किया। तो हमें इन्वर्टर बनाना था, हमें इन्वर्टर में कोई पहले कोई एक ऐसा इन्वर्टर बनाना था जिससे बिजली कम यूज़ होए और बैटरी का हम मैक्सिमम यूज़ कर लें। फिर साइन वेव बनाना था, फिर बड़ा इन्वर्टर बनाना था, फिर एयर कंडीशनर के लिए इन्वर्टर बनाना था, फिर और बड़ा इन्वर्टर बनाना था, 100 किलोवाट का इन्वर्टर बनाना था, अब हम 500 किलोवाट का इन्वर्टर बना रहे हैं। तो हमारे लिए ये जो काम था वो कोई काम नहीं था, हमारे लिए समस्या थी, उसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए हमें लोग चाहिए थे, हमने लोगों को ट्रेन किया, कुछ लोग हमारे साथ रहे, कुछ चले गए, कुछ लोग कॉम्पिटिशन लेके चले गए, बट वो एक ये सफ़र था, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये सफ़र था जिस सफ़र को हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। तो हमारे को इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, हम काम करते हैं, हमें पता लगता है अच्छा ये प्रॉब्लम इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, करते करते R&D खड़ी हो गई, करते करते ये इतने सारे प्रोडक्ट बन गए, इतना सारा ब्रांड बन गया। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए हमने कोई काम किया, प्रयास किया। आप ये मानते हैं कि भाई सोलर पावर की भी नीड को आपने देखकर और फिर आपने इसके अंदर कार्य शुरू करा? तो सोलर के अंदर तो हम वैसे में जैसे बताया अफ्रीका के लिए काम कर रहे थे, अब इंडिया के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। हमें समझ आ रही है कि इंडिया में DC सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा छोटे शहरों में, छोटे घर। और मेरा तो मानना है कल शायद आपके घर में भी DC सिस्टम चल रहा हो, आपके घर में दो तरह के सिस्टम चल रहे हों, एक तरफ DC चल रहा हो या तो AC चल रहा है। ओके। क्योंकि क्या है, पहले ज़माने में लोग DC, जैसे अगर आप देखेंगे तो पावर हमेशा DC से चालू हुई थी वर्ल्ड में, फिर AC का रूप दिया गया क्योंकि AC को बहुत दूर लेके जाना था तो DC में लॉसेज होते थे। लेकिन जब सोलर है तो सोलर में मुझे DC अवेलेबल है, मैं उसको AC में कन्वर्ट करूं क्या जरूरत है? तो हम DC को डिस्टेंस पे तो लेके जाना, तो आज का जो पंखा है या ट्यूबलाइट है या कुछ है, तो आप देखेंगे LED आ गई है, LED DC पे चलती है, तो LED में आप देखते हैं कितनी एफिशिएंसी है। तो LED को DC चलाने के लिए मैं AC से DC कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास DC अवेलेबल है, मैं DC से चला सकता हूँ। सेकेंडली पंखे जो है DC में, अगर आपको पंखा जो AC पंखा 80 वाट लेता है वो DC में 20 वाट लेता है। तो आने वाले समय, जैसे हमने अभी ये UP का काम किया जिसमें हमने 40,000 घरों में DC सिस्टम्स लगाए हैं, तो हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आया कि वाई नॉट घरों में DC चलाया जाए, AC को चला रहे हैं हम। सोच बदलने का बस, मतलब राधा देन की एक प्रॉब्लम को एक आप धर्रे में और उसी तरीके से देखते, आपने एक अलग तरीके से उसको देख के देखा। सर आपने अर्बन एंड रूरल सेक्टर दोनों में काम किया है, चैलेंजेस में कितना फर्क है? चैलेंज में बहुत फर्क है, क्योंकि अर्बन वालों को लाइट मिल रही है ज़्यादातर टाइम पे, उनको लाइट मिलती है तो बहुत कम ही होता है जब उनको लाइट नहीं मिलती है। रूरल वाले बेचारे को कोई 8 घंटे लाइट मिलती है, किसी को 5 घंटे लाइट मिलती है, तो उनके बहुत चैलेंजेस हैं, उनको डे टू डे के लिए जनरेटर्स पे और इन्वर्टर्स पे वो ज़्यादा ओपन है टू द थॉट ऑफ सोलर पावर, उनके पास चॉइस नहीं है क्योंकि जनरेटर उनके लिए बड़ा महंगा है, इन्वर्टर उनके लिए महंगा है, तो सोलर पे लगा के वो सीधा पंखा चला लें अपना। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में आप गांव-गांव में जाइए, सोलर बहुत तरीके से यूज़ हो रहा है, बिना गवर्नमेंट की हेल्प के लोग सोलर लगा के अपने घरों में अपने पंखे चला रहे हैं, अपनी बिजली चला रहे हैं, अपने कूलर चला रहे हैं, अपने पंप चला रहे हैं, बट दे हैव डिवाइस देयर ओन वेज। तो सर ये तो आप सही कह रहे हैं कि गांव में तो सब जरूरत है, लेकिन अगर हम लोग एक शहरी महिला के मैं परिप्रेक्ष्य में आपको बोलूं कि भाई मेरे पास तो बिजली आने लग रही है, बहुत कम लाइट जाती है, और मैं क्यों सोलर पावर के चक्कर में पड़ूं, मेरा खर्चा भी बहुत होगा और उसके साथ साथ में पता नहीं छत पे कितना आप जगह ले लेंगे, कौन सी तार नहीं डलेगी, फिर चक्कर ही रहता है, अब ये ऑफ स्विच करो ये ऑन करो, व्हाई शुड आई अडॉप्ट सोलर पावर, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है आज हमारे साथ हैं सुकम पावर सिस्टम्स लिमिटेड के MD साहब कुंवर सचदेव, और मैं ब्रेक से पहले उनसे यही पूछ रही थी कि भाई मैं सोलर पावर सिस्टम अपने घर में क्यों लूं, बिजली वैसे बिल अगर कम आए तो मेरे ख्याल से हम सब इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन झंझट से बहुत डरते हैं हम लोग, टाइम नहीं है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका सोलर पावर एक ऐसी सिंपल सी पावर है, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगा रहे हैं जी, सपोजली आपने अपने घर में एक छत लगा के 1 किलोवाट पे पावर पे सिस्टम लगा लिया, ठीक है, तो छत पे जो सिस्टम लगा हुआ उसके नीचे तो जगह खाली है, और बल्कि आपको क्या होगा, आपकी आपके वो छत लगने के ऊपर एक और छत मिल गई आपको, तो आपका बल्कि जब एयर कंडीशनिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा आपको, आपका बल्कि बेनिफिट होता है क्योंकि छत के ऊपर छत आने से आपको बेनिफिट होता है और कोई बहुत ज़्यादा जगह घेरता नहीं है, जितनी जगह अगर आप उतनी छत के ऊपर अपना, किसी के पास 2 किलोवाट की है, किसी के पास 3 किलोवाट की छत है,
और एक इन्वर्टर लगता है और एक पैनल्स लगते हैं जो छत में आपको छाया देते हैं, तो आपकी छत अच्छी हो जाती है। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, आपने एक बार लगा दिया आपकी बिजली ऑटोमेटिक चल रही है, जितनी बिजली प्रोड्यूस होगी उतनी आपकी पीछे से बिजली नहीं आएगी। तो एक तो ये है, सेकेंडली क्या है, पावर के रेट अगर आप देख रहे हैं तो जिस स्पीड से पावर के रेट बढ़ रहे हैं आज की डेट में, आप सही कह रहे हैं, आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी चले जाएं 6 से 7 रुपए की घर में पावर पड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और आपको जो ये वाली पावर है 25 से 30 साल चलनी है, कंटिन्यूसली मिलेगी, तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सब्सिडी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ हद तक सब्सिडीज दे रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, तो मुझे लगता है इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट आपको इस पर लोन देती है, आप लोन लेके काम कर सकते हैं। सो आज के समय में बिजली का बिल आपका कम आएगा, जैसे आपने कहा कि कोई उसमें आपको तार तूर नहीं डालने, कुछ नहीं डालने, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपके घर की नॉर्मल बिजली है उसमें ये एड ऑन हो जाएगी, और उसके 25-30 साल आपको ये आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर सकता है। और उसके साथ साथ अभी आपने कहा कि सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट और लोन भी देती है। सर देखो, आई थिंक अगर जिन्होंने नहीं लगवाया और उनके पास जगह है तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी हम लोगों को सोलर पावर लगवा लेना चाहिए। बस लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आज मेरे पास सोलर पावर अगर मेरा भाई जरूर, हर बार तो सर एक तरीके का आता नहीं है, कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, और कभी अगर इतना ज़्यादा आ गया कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं है उतने की, हम तो 2 महीने छुट्टी गए हैं, तो वेस्ट जाएगा सारा। तो ऐसे मैं जैसे बताना चाह रहा था बीच में कि जैसे 2 तरह के सिस्टम है घरों में लगेंगे, जैसे एक ऑन ग्रिड सिस्टम है जिसमें जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो आपके घर के अंदर यूज़ होएगी, और अगर आपने घर में यूज़ नहीं करी तो आपकी बिजली उसमें चली जाएगी मेन, उसमें जिस जहाँ से बिजली आ रही है उल्टा आपको, आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे बिजली को, तो सरकार पैसे देगी, सरकार उसके पैसे देगी, हर पैसे देगी। हाँ हाँ सर, मैं तो लगवा रही हूँ, मैं तो कन्विंस होगी, पहली बार सरकार किसी चीज़ के अगर हमें पैसे देगी तो लगवा ही लेनी चाहिए। सेकंड उसमें बेनिफिट क्या है कि अगर आपने ऐसा सिस्टम है जहाँ से आपके घर में पावर जाती है बार बार, तो उसके लिए तो और भी अच्छा है कि आप जनरेटर लगाने के बजाय आज आप इन्वर्टर के साथ सोलर लगवाएं, जिससे आप स्टोर भी करें और यूज भी करें। मतलब कि भारत के लोग सचेतन ना सचेतन, सर आपने ये जिम्मा ले लिया कि हम लोगों की थिंकिंग आप सोलर थिंकिंग करते रहेंगे। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सोलर की बात करते हैं और वो इतना दम मार रहे हैं कि सोलर हो सोलर हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही, और फिर हमारे को क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारा एडवांटेज है, हम इंडिया के हिसाब से टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। सर लेकिन एक चीज मैं पूछूंगी टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आप ये पेटेंट वगैरह करवा रहे हैं ना, क्योंकि फिर पता चलता है जी वो अमेरिका और लंदन जाके वो चीज आप अपने हाथ में ही नहीं रहती। नहीं नहीं हमने हम थोड़े देर से पेटेंट पे जागृत हुए, लेकिन हमने पेटेंट फाइल करने शुरू करें एंड अभी तक हम 100 से ऊपर टेक्नोलॉजी पेटेंट फाइल कर चुके हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा इंडिया में पेटेंट्स के ऊपर बहुत ही एक समझ की बात है कि हमारे देश में तो पेटेंट ऐसे पैदा हो सकते हैं जैसे यू नो गाजर मूली वाले हिसाब है, क्योंकि हम लोगों की जिस तरह से थिंकिंग रहती है हम नया थिंकिंग सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो पेटेंट के लायक है। हाँ ये तो ऐसा, अगर की तरफ क्रिएटिव थिंकिंग है तो हमारे पास मैसिव इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स की नॉलेज की कमी है कि पेटेंट कैसे फाइल होता है। लोग सोचते हैं पेटेंट फाइल करना मतलब मुझे प्रोडक्ट बनाना है और प्रूव करना है तब पेटेंट फाइल होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। पेटेंट में क्या आपके पास दिमाग में कोई आइडिया है, आप उस आइडिया को पेटेंट करा लीजिए, आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आपको प्रोडक्ट बनाना है। हाँ। आप बताइए प्रोडक्ट बन सकता है, इतने ही पेटेंट फाइल हो जाता है, आइडियाज पेटेंट होते हैं, आइडियाज पेटेंट होते हैं। सर आप इन्वर्टर इंडस्ट्री के तो यू आर द अनडिस्प्यूटेड लीडर एंड also now moving forward one of the very concrete leaders of the solar power industry. As you are taking into account the solar power industry and Prime Minister Modi ji's dream of make in India and stepping up manufacturing, in teenon cheezon ko agar aap equally balance karenge, aapko kya lagta hai ki government policies mein kis change ki zarurat hai ya hamari sarkar se aapko kya umeed hai? Dekhiye मुझे सरकार से कभी भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रही है, लेकिन पहली बार मैं खुश हूँ कि हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो देश में बिज़नेस की बात करते हैं, जो कहते हैं हाँ भाई बिज़नेस अच्छी चीज़ है, बिज़नेस होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, जो आज तक मैंने इतने सालों में सुनी नहीं। सही कह रहे हैं। सेकेंड जो चीज़ है जो मोर देन पॉलिसीज़ सी, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों का माइंड सेट चेंज करने की, जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है और जो बाकी हमारे अंग हैं, उनका माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि देश में जो हमारे जो टैक्सेस आएंगे, जो जितना भी टैक्सेस का जो हिसाब किताब बनेगा, वो जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा, जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना टैक्स बढ़ेगा, जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा उससे टैक्स बढ़ेगा।
सो अल्टीमेटली सोर्स हमारा जो है इनकम का सोर्स है दैट इज थ्रू टैक्सेस. और जितने लोग अमीर होंगे अब मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोग आएंगे, लोगों को काम मिलेगा, तो मेक इट इजियर, मेक इट इजियर. तो मुझे लगता है मोर देन क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों में आप सोचो कि आज हमने ये पॉलिसी ले आए हैं, कल हम ये पॉलिसी ले आए हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ पॉलिसी है वो एक चैलेंज बना हुआ है. क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज अच्छा नहीं करेंगे आपकी पॉलिसी लाने से इतना फ़ायदा नहीं होगा. तो अभी मुझे लगता है वो माइंडसेट चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन पॉलिसियाँ चेंज करते जाएँ. सर एक बस आपसे आखिरी चीज़ मैं देखना पूछना चाहूँगी, बड़ा कॉरपोरेट वाला प्रश्न है जी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? देखिए जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी के दौरान आगे बढ़ते हैं तो आपके अपने आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है, अपनी वीकनेसेस पता लगती हैं और उस हिसाब से आप अपने को ढाल लेते हैं. तो मेरी ज़िंदगी में मुझे अभी बहुत कुछ करने के लिए है. मुझे पहले तो ये सोलर इंडस्ट्री में इंडिया का नाम खड़ा करना है, अपना नाम खड़ा करना है. और मैं समझता हूँ कि ये वाला जो सोलर का काम चल रहा है ये हमारी जैसी कंट्री जितनी भी हैं, मिडल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका है और बड़े सारे कंट्रीज़ में हम इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत तरीके से ले जा सकते हैं, इस देश का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं. और बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे डेवलप करने हैं अभी जो मेरे सामने हैं. तो अगले 5 सालों में मैं समझता हूँ कि हम LED सोलर और बहुत सारे एनर्जी के जो सोर्स हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं वो मेरा फोकस रहेगा. और आपका ये सपना जी ज़रूर पूरा हो, आप स्यूकैम इंडस्ट्रीज़ का, अपना और भारत का नाम इस फील्ड में ज़रूर रोशन करें. ETV परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. तो ये तो था जी आज का खास मुलाकात. और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज इतनी सारी जानकारी लेने के बाद कम से कम हम लोग ये सोचेंगे कि हाँ हम भी देश का साथ दें और सोलर पावर की ओर कदम अपने बढ़ाने शुरू करें. मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद.